If x is equal to 9 minus 4 under root 5, then find a value of under root x minus 1 upon under root x. अब वैल्यू हमें गिवन है x की 9 minus 4 under root 5, और जो फाइंड करना है वो है under root x minus 1 by under root x. मींस पहले तो हमें root x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. x हमें दे रखा है, अब इसे under root करना है. तो under root का मतलब ये हुआ कि इसका square root, right? तो अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे इजी वे क्या होता है कि ये जो टर्म हमें गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सॉल्व होने के बाद ये रिजल्ट आया हुआ है, तो हमें वापस देखना है कि हमारे पास ये कौन सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन हुई है. तो सबसे इजीएस्ट वे है कि जो रूट वाली टर्म है, ये हमारी टर्म जो है वो हमेशा 2ab की टर्म बनेगी, राइट. इससे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और जो अंडर रूट वाली टर्म, जिसके अंदर अंडर रूट वाली टर्म कंटेन है, तो वो 2ab की फॉर्म में होगी. तो अब अगर हम 4 अंडर रूट 5 को स्प्लिट करते हैं, तो 2 चाहिए मुझे एक, तो 2 इस 4 से हमने 2 ले लिया, तो इससे हम ब्रेक करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं, और तीसरी टर्म जो है वो रूट 5 है. मीन्स इन दोनों में से एक ए है और एक बी है. ठीक है, तो और ऐसे ही अब पहले क्रॉस चेक करेंगे कि ये ए और बी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मीन्स 9 आ रहा है इनके स्क्वायर से या नहीं आ रहा. तो अगर आप ए का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा, बी का स्क्वायर करते हैं रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, तो 5 प्लस 4 इज 9, और हमें 9 ही यहाँ पर गिवन है, यानी कि अभी इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं. तो कैसे स्प्लिट करना है हमें, वी हैव x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5. तो 9 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 4 and this can be written as 2 into a into b. Under root जो 5 है can be written as under root 5 square, because हमें a square चाहिए, तो a क्या होगा, under root 5 होगा, a square plus 4 है उसे हम लिख सकते हैं 2 square, और ये 2ab already है हमारे पास. तो ये identity किसकी बनेगी, देखो a square plus b square minus 2ab, तो ये a minus b की identity बनेगी, a है under root 5 और b है 2, राइट. तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये की ओपन थी तो हमने इसे वापस क्लोज कर दिया, तो ये हमारी x की वैल्यू है. तो यहीं से अगर हम देखें अंडर रूट x अगर हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, तो अब यानी कि राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट करेंगे अपोजिट राइट पे, तो यहां से हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है, तो अंडर रूट x की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 5 माइनस 2. अब इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें चाहिए 1 बाय रूट एक्स, तो इसी से हम पहले 1 बाय रूट एक्स सॉल्व करते हैं. नाउ 1 बाय अंडर रूट एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 2. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया है, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अंडर रूट 5 प्लस 2 से. ठीक है, अपोजिट साइन से करते हैं हमेशा. तो न्यूमरेटर में अंडर रूट 5 प्लस 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 2 न्यूमरेटर में एज इट इज है, यहाँ आएगा 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो डिनोमिनेटर में आ गया 1, मीन्स अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज अंडर रूट 5 प्लस 2. डिनोमिनेटर में 1 है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं. तो देयरफॉर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स विल बी इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो रूट एक्स की थी रूट 5 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की है रूट 5 प्लस 2 माइनस है, तो हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4. तो हमारी जो इसकी वैल्यू है वो माइनस 4 आ गई है. दिस इज आवर आंसर. थैंक यू.